आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं इस समय मौजूद हूं मैहर में। शारदा माँ का ये स्थल है, बाबा अलाउद्दीन की नगरी कहा जाता है इसको। 46वां यहां पर बाबा अलाउद्दीन को उनको याद किया रहा महोत्सव है। यहां पर आयोजक हैं मेरे साथ। पहले तो मैं आयोजक से बात करूंगा, उसके बाद हम अपने अतिथि के पास चलेंगे और आपको बताएंगे आज जिस तरीके की उनकी प्रस्तुति थी। ये बताइए किस तरीके का आयोजन और इतने दिनों बाद क्यों? 46 साल हो गए इसका आयोजन होते हुए और मैं पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा ने मेरे सगाई में, जब उनकी उम्र 107 साल थी, तब उनने मेरे सगाई में वायलिन बजाया, तब मैंने उनके चरणों में माथा रख के बोला अब मैं ताउम्र आपकी खिदमत में बजाऊँगा। और आज की खिदमत आप देख रहे हो, ऐसे लोग आए खिदमत करने, इससे बड़ा पुण्य क्या मिलना है। वाकई बड़ी बात है। जी हाँ, 107 साल की उम्र में, जैसा कि जैन साहब ने बताया, बाबा उनके साथ थे और उनकी सगाई में उनने अपनी प्रस्तुति दी थी। या जी, इनके पिताजी दीपचंद जी जैन जी, जब बाबा 100 साल के हुए तब उनने यहाँ सोमा मनाया, तब लोगों को लगा मैहर के लोगों को, अरे बाबा तो इतने बड़े ऋषि हैं। 2 साल बाद पृथ्वीराज कपूर आए बाबा को नमन करने 1964 में। जैन साहब के पास यादों का पिटारा है, खजाना है, उनकी बातें फिर कभी होगी। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जिन्होंने अभी अपनी प्रस्तुति दी, विशाल कृष्णा जी। ये बताइए, बनारस से जैसा कि मुझे बताया गया आपका आगमन हुआ जी, ये आपने कथक ही क्यों चुना? ये तो हमारा खानदानी कार्य है जिसे कह सकते हैं। हम कथक की सेवा बहुत सालों से कर रहे हैं। मैं अपने घराने की चौथी पीढ़ी हूँ। जैसा मैंने मंच पे भी नाम लिया कि हमारे घर में नृत्य जो हमारे बाबा आचार्य पंडित सुखदेव महाराज जी की वजह से आया, और उन्होंने वो बंधन, उस टाइम पे स्त्रियाँ महिलाएं डांस नहीं करती थी, नृत्य नहीं करती थी उस ज़माने में, इसको थोड़े गलत नज़रिए से देखा जाता था, और स्पेशली ब्राह्मण परिवार से होके नृत्य कराना ये बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे जो बैरियर था ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने तोड़ा और अपनी तीनों बेटियों को नृत्य कराना शुरू किया। वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई और मैंने मेरे नृत्य की शिक्षा मेरे पिताजी मोहन कृष्ण जी, मेरी दादी बुआ जी सितारा देवी जी से प्राप्त की है। और चूँकि कह सकते हैं मेरे पिताजी कहते थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो आई थिंक वो शुरू से ही बचपन से ही घुंघरू सुनते आ रहे थे क्लासेस में। घर पे पिताजी भी डांस करते हैं तो क्लासेस हर रोज़ होते थे, तो आई थिंक अपने आप उस तरफ रुझान हो गया मेरा। इसको कहते हैं मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता। सितारा देवी जी का परिवार, जिसको मेरे ख्याल से, जिनके बारे में मैं कुछ ना बताऊं, पूरी दुनिया उनको जानती है। बाबा अलाउद्दीन की नगरी में आपने प्रस्तुति दी जी। आपके परिवार के अभी तक कितने लोग यहाँ पर प्रस्तुति दे चुके हैं? मैं तीसरी पीढ़ी हूँ इस मंच पे नृत्य करते हुए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरे दादी ने भी यहाँ परफॉर्म किया है 76 में, अब मैं 76 में, उसके बाद नटराज गोपी कृष्ण जी जो मेरे ताऊ जी हैं उन्होंने भी किया है परफॉर्मेंस, और फिर आप सबके बिरजू महाराज जी, हाँ महाराज जी ने भी ऑफकोर्स किया है। बट हम कह रहे हैं इन लोगों की वजह से मेरा दोबारा यहाँ आना हुआ है। आई थिंक सबसे पहला मैंने परफॉर्मेंस आज से 6 साल पहले किया, 2014 में आई थिंक सबसे पहले आए थे, और दोबारा फिर से समिति की वजह से और जैन अंकल और जैन जी की वजह से मुझे पुनः यह मौका मिला। और अपने आप को बहुत गौरवान्वित कह सकता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह एक वो गढ़ है जहाँ पे आई थिंक हर एक कलाकार का ड्रीम होता है ऐसी जगहों पे परफॉर्म करना। क्योंकि यही, अगर इस मंच का आशीर्वाद अगर हम लोगों को लग जाए, हम युवा कलाकारों को लग जाए, तो हमारी संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा आगे चलती रहेगी। हमारी संस्कृति कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि बाबा की नगरी में अगर हमें ये मौका मिलता है, हम अपना प्रेजेंटेशन दे सकें, हम ये बता सकें कि हमने बाबा की परंपरा को आज भी कायम रखा है। ये बताइए जिस तरीके से यहाँ पर पब्लिक भी आपको दिख रही थी, युवा भी दिख रहे थे, तो युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है, हालांकि आप भी युवा हैं? मैं कल से इस समारोह को मैं देख रहा हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है देख के, जब हमारे युवा आगे आके इस संस्कृति को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संगीत सीखना ज़रूरी नहीं है, संगीत एक अच्छा श्रोता बनना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सब कलाकार बन जाएंगे तो हमें सुनेगा कौन? तो एक अच्छा रसिक श्रोता होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो शायद हमें हमेशा से यहाँ मिलता आ रहा है। इसके पहले भी मुझे मिला था और आज भी वैसा देखने को मिला है कि पूरी रात
ऑडियंस भरी हुई थी और जिस तरीके से वाह और आह कह रही थी वो आई थिंक हर कलाकार चाहता है, बिकॉज ऑफ कह सकते हैं कि इतने लंबे गैप के बाद से वापस से हम सभी कलाकार मंच पर आए हैं और बिना श्रोता के कलाकार हमेशा अधूरा है। जैसा कि आपने अभी कहा कि आपकी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी या आपका कहें एक तरीके से ये होम प्लेस हो गया है, मैहर आपका होम प्लेस हो चुका है। मैहर में आज बाबा का 46वां महोत्सव मनाया जा रहा है, मैहर से आप क्या संदेश देना चाहिए? बस यही मैं क्या संदेश दूंगा, मैं बहुत छोटा हूँ आई थिंक। बस इसी प्रकार ये कार्यक्रम हमेशा अनवरत चलता रहे, 46 साल क्या इसको 101 साल भी मनाया जाए इसका, और हम सब नृत्य करने यहाँ पहुँचे और यही ऐसी झमाझम खूब भीड़ हो यहाँ पे, जो झमाझम भीड़ हो यहाँ पे तो क्या फिर आनंद ही आनंद है फिर तो। ये थे हमारे साल विशाल कृष्णा जी, जिनका साफ तौर से कहना था बाबा की नगरी में अगर हमको प्रेजेंटेशन का मौका मिलता तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इसी के साथ इजाज़त। Yeah.
एक दादरा है जो कि बनारस घराने का है, और मेरी दादी जी, बड़ी दादी बुआ अलख ठंडा देवी जी करती थी हमेशा।